कितना अच्छा शहर है। वाह, ये मेरा नया घर है। कितना प्यारा है। ओह मेरी पीठ। ओह नमस्कार, मैं दादी हूँ। हेलो मैं क्विंटन हूँ। हेलो मैं तुम्हारी नई पड़ोसी हूँ। वाओ तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारे काले बाल रात की तरह है और होंठ ऐसे दिखते जैसे वे चारकोल से रंगे हो। तुम परफेक्ट हो। हेलो सुंदरी, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? नहीं, जब तक तुम सूख नहीं जाते तब तक मैं तुम्हारा सारा खून पीऊंगी। नहीं मुझे मत खाओ। ओह मेरे घर के बगल में एक वैम्पायर रहेगी, लेकिन मैं अपने घर में पक्का सुरक्षित हूँ। यह घर बहुत भयानक है, मुझे इसे पूरी तरह से काला करना होगा। इस तरह वह इतना बेहतर दिखता है। हाँ, अब छत को सजाते हैं। मैं उस पर लाल रंग की बूंदे डालना चाहती हूँ। मैं अपने नुकीले दांत की मदद से कैन खोलूंगी। इस तरह के तेज नुकीले दांतों के लिए वैम्पायर मम्मी पापा को धन्यवाद। बढ़िया, यह बिल्कुल मेरी कल्पना की तरह मस्त लग रहा है। और अब मुझे मदद चाहिए। हाँ वाह, देखो कितना बढ़िया। सुनो, और यहाँ मेरे चमगादड़ हैं। वे बहुत सुंदर है। वाओ तुम कितने प्यारे हो। मेरे घर को चमगादड़ की तरह पंख चाहिए। ये पहले से ही बहुत बेहतर लग रहा है। अब मैंने कुछ मोमबत्तियाँ जोड़ दी हैं और एक कॉफिन शेप का दरवाजा। ये मस्त है। मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है। ओह वाह, अरे तुम मेरे लॉन पर क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ छोटे आदमी। ओ मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। यह मेरे लिए भी अपने घर को सजाने का समय है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने घर को अपने फेवरेट कॉकटेल ग्रिमेस शेक के रंग में रंगना चाहता हूँ। यह बहुत सुंदर होने वाला है। घर पर एक कॉकटेल को डाल देता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक बड़ा कप लेना है और पूरा अपने घर की छत पर डालना है। यह हुई ना बात। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर की छत पर कॉकटेल डाला ताकि यह पूरी तरह से बैंगनी हो जाए। वाओ यह काम किया। बढ़िया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। सब ओर से वाह। पर इतना ही नहीं है, अब मुझे छत पर व्हिप क्रीम जोड़ने की जरूरत है। सब ओर वाह, और स्ट्रॉ को नहीं भूल सकते। वाओ, और रंगीन स्प्रिंकल्स भी। मुझे यह भी पता है कि यह कैसे करना है। एक दो तीन। वाओ, मेरे घर पर रंगीन कंफेती है। ये बहुत अच्छा है, मुझे यह पसंद है। और मुझे एक दरवाजा भी चाहिए। ठीक है। हाँ वाओ, अब यह हुई ना बात। मेरा घर तैयार है और स्वादिष्ट भी। ये लोग आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं समझते हैं। वाह, मेरे पड़ोसियों ने पहले ही अपने घर बना लिए हैं। वे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी अपने घर को एक अलग रंग में रंगना चाहती हूँ। ये सफेद बहुत बोरिंग है। मिस, अगर मैं अपने स्कूटर को थोड़ी देर के लिए शुरू करती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत है? मेरे स्कूटर से निकलने वाला धुआं पक्का घर को उस रंग में रंगने में सक्षम होगा जिसकी मुझे जरूरत है। हाँ यह बहुत मजेदार है। क्या यह काम किया? हाँ बहुत सुंदर है। चलो स्कूटर को यहाँ रख दे और हम उस पर और रंग डालेंगे। और फूल यहाँ, मैं घर बस इधर। हाँ, और मैं घर को बड़े बटन के साथ सजाना चाहती हूँ। मेरे पास बटन भी रंगीन और सुंदर है। और हम छत पर एक सुंदर गुलाबी कारपेट भी लटकाएंगे। देखो कितना सुंदर है। वाओ, देखो अच्छा है ना? चलो दरवाजा लगाएं। यह कितना सुंदर निकला। वाह, तुम्हें कैसा लग रहा है? मिस, तुम्हें कैसा लग रहा है? आपका घर भयानक लग रहा है। ये बटन्स क्या है? कितना बुरा। मुझे तुरंत घर में जाना होगा। मैं उससे मिलने की कोशिश करूंगा। शायद मैं आपसे वहाँ मिलूंगा। ओ नहीं, मुझे चमगादड़ से डर लगता है। मेरे घर में आपका स्वागत है। यह सच्ची में बहुत बोरिंग है। हमें इस कमरे में और खौफ लाने की जरूरत है। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। यहाँ लाल कर्टेन होगा और यहाँ मेरा सिंहासन है।
यहाँ मैं शेल्फ के साथ एक ड्रॉवर रखना चाहती हूँ। मेरी चीजें इस पर बहुत अच्छी लगेंगे। बस मेरे प्यारे खिलौनों को देखो। और ये मेरा पहले दांत है। ये रहा, मैं तब 5 साल की थी। वे मेरे क्लोक के लिए हुक का काम करेंगे। वाह बढ़िया। मुझे एक लाइट स्विच भी चाहिए। यह एक अलग बात हुई। यह मेरे मम्मी पापा के घर की तरह बन गया है। बढ़िया। यह कमरा इतना खाली है, मुझे पक्का यहाँ कुछ जोड़ने की जरूरत है। ओ यहाँ क्या है? ओ नहीं, ये ग्रिमिस है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ तुम्हें पता है क्या, मुझे तुम्हारे फर की जरूरत हो सकती है। मुझे कुछ लेने दो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे दूर मत भागो। रुको, रुक जाओ। मेरा काम हो गया। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारे फर का एक टुकड़ा ले लिया है। एक सुंदर कारपेट की तरह यह काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ और क्या जोड़ सकता हूँ? हाँ, मुझे एक मिरर चाहिए। मैं उस पर चेहरे बना सकता हूँ। मैं बहुत फनी हूँ। यह अजीब है कि वैम्पायर पड़ोसी मुझसे मिलना नहीं चाहती। और यहाँ मेरे नियॉन साइंस होंगे। सुंदर। अब बस गुब्बारों को फुलाना बाकी है। ऐसे। वाओ। मैं उन्हें अपने फेवरेट खिलौनों से जोड़ूंगा। मुझे और भी बलून्स चाहिए। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बलून वहाँ उड़ गया। उफ। ओह, वो आवाज क्या है? यह अजीब था। मुझे कमरे को सजाने की जरूरत है। मैंने पहले ही खुद के लिए कारपेट बुन लिया है। बढ़िया। और मैं यहाँ अपनी फेवरेट कुर्सी भी लगाऊंगी और हम कुछ चित्रों को भी लटकाएंगे। यहाँ मैं हूँ। मैं तब केवल 15 साल की थी। और ये मेरे फेवरेट फूल है। और भविष्य के लिए तस्वीरों के लिए कुछ और फ्रेम्स। ओह यह यहाँ पूरी तरह से खाली है। हमें कुछ अलमारियों को रखने की जरूरत है। यह अच्छा है, नहीं तो पौधों और यार्न के साथ अपने बर्तन रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। मेरा घर बहुत आरामदायक हो गया है। हाँ। आओ, तुम्हारे घर बहुत अच्छे बन गए हैं। मैं जीवन भर उनमें रहना चाहती हूँ। यह अच्छा है। कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा घर सबसे ज्यादा पसंद है। मैं अभी भी वैम्पायर पड़ोसी को डेट पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरह कपड़े पहने हैं। ओह अरे वाह, फूल। मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे कुछ फूल चुराता हूँ तो प्यारी दादी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वैम्पायर पक्का उन्हें पसंद करेगी। वाओ। ओ दादी, मैं सच्ची में हमारे पड़ोसी को पसंद करता हूँ। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके फूलों का यह मामूली गुलदस्ता ले सकता हूँ? बेशक डार्ली, लेकिन उसे यह गुलदस्ता पसंद नहीं आएगा। मुझे ये फूल दो, वह पक्का इससे खुश होगी। और चलो यहाँ तुम्हारे लिए बुचोनिया डालते हैं। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। चलो वैम्पायर वहाँ हो। ओ, ओ वैम्पायर, हेलो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम क्यों आए हो? मैं यहाँ, मैं वैम्पायर हूँ। मैं तुम्हारा सारा खून चूस लूंगा। सच में तुम बहुत फनी हो। मैंने केवल हैलोवीन में ऐसा आउटफिट देखा है और तुमने मुझे हंसाया। बेशक, मुझे अपने फूल दे दो। कितने प्यारे हैं। वैसे मेरा नाम कैंडी है। सच में? और मेरा नाम क्विंटिन है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओह ये कौन है? वैम्पायर। बेटी तुम इस ह्यूमन लड़के के साथ क्या कर रही हो? ओह यह कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। दादी मुझे बचाओ। वो ड्रैगुला मुझे खाने जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओह पापा, मैंने आपसे कहा था कि मुझे बिना बताए ना आए। लेकिन मैं आपको वैसे भी देखकर खुश हूँ। आपको मेरा घर कैसा लगा? आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर इसे जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें दोस्तों, यह आगे और भी मजेदार होगा।